जबलपुर पहुंचे गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि संतों के मार्ग में कहीं कोई बाधा नहीं है, सबका हित चाहने वालों के मार्ग में कोई बाधा नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार के समर्थन न करने से संतों का कुछ भी नहीं बिगड़ता, हमें सरकार की चिंता नहीं है, संतों के समर्थन से सरकार है। वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों द्वारा बनाए जाने पर मोहन भागवत द्वारा दिए गए बयान पर निश्चलानंद ने कहा कि मोहन भागवत ब्राह्मण है, उनके पूर्वज स्वर्ग में हैं, वे स्वर्ग में मोहन भागवत के बयान पर रो रहे होंगे। राम राज्य को सहने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र को नहीं सह सकते वो राम राज्य को क्या सह सकता है। राज्य धर्म कुल धर्म शाश्वत, जिनका नाम लिया वो कम से कम गीता का पहला अध्याय तो पढ़ लें। अर्जुन का वचन है जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत, जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत है। आगे का अर्जुन ने सनातना सिद्धांत है, इसका खंडन कहीं नहीं है। अच्छा मैं ही प्रश्न कर दूं तो शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहे, इसके लिए परंपरा से वर्णन व्यवस्था आवश्यक है या नहीं, और हर स्त्री देवी मातृशक्ति का शिर सुरक्षित रहे इसके लिए वर्णन व्यवस्था आवश्यक है या नहीं। अब अमेरिका ब्रिटेन जर्मनी जापान फ्रांस यहाँ परंपरा से ब्राह्मण क्षति वैश्य शूद्र आदि नहीं है, वहाँ वैकल्पिक तो बनाना ही पड़ेगा। ब्राह्मण क्षति वैश्य और शूद्र ये सब वैकल्पिक बनाएंगे तो समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, संस्कार का आधार नहीं होगा, ऊपर की श्रेणी में सब भर जाएंगे, पांव को कितना भी प्रशिक्षण दे मुँह और हाथ का काम तो कर नहीं सकता, सिर का काम तो नहीं कर सकता, ये सब विसंगतियाँ हैं। सनातन धर्म के अनुसार जीवन यापन हो तो जनसंख्या सदा संतुलित रहती है, बिना गर्भपात के बिना परिवार नियोजन के। ब्राह्मण चार आश्रमों में अधिकृत किए गए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम वानप्रस्थ संन्यास में भोगराग नहीं तो ब्राह्मणों की जितनी संख्या होनी चाहिए उससे अधिक हो ही नहीं सकती थी। क्षत्रियों को कहा गया कि संन्यास का दरवाजा मत खटखटाइए, धर्म युद्ध के लिए सदा तैयार रहिए। उड़ीसा में ब्रह्मवर्धा है, 1100 गायें कटने के लिए आई थी, एशिया स्तर का मुस्लिम सम्मेलन था। मैंने कहा गायें तो क्या एक मछली भी नहीं मर सकती, खिचड़ी खा करके जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, वही हुआ। सरकार से हम दबते नहीं और किसी को दबाने का प्रयास करते नहीं। राम जी एक शब्द बड़ा चर्चा है हिंदू राष्ट्र, अभी सुबह भी आपने कुछ बातें कही थी इसको लेकर। 18 महीने पहले मैंने कहा था भगवत कृपा से हिंदू राष्ट्र, और यह भी कहा था कि मार काट की बात नहीं है, सबके पूर्वज सनातनी वैदिकार हिंदू थे, मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे, सबके पूर्वज सनातनी वैदिकार हिंदू थे, इसलिए अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलना चाहिए। वो 32 विद्या 64 कला में निपुण थे, सब प्रकार से दक्ष थे, अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलना चाहिए, उसे हित ही होगा, हित तो होगा नहीं।